एम्पेरिकल इक्वेशन देख लिया था, पेनमैन इक्वेशंस। अब हम देखते हैं सेकेंड एम्पेरिकल इक्वेशन, ब्रेन्ने क्रिडल फॉर्मूला। ठीक है, तो ब्रेन्ने क्रिडल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है पीईटी, या फिर आप इसको इवापोरेशन लॉस भी लिख सकते हो, या कंजम्पटिव यूज कुछ भी लिख सकते हो, है ना, या पीई भी लिख सकते हो, इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2.54 के टी एफ पी एच अपॉन 100। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देखेंगे। पहला है के, के का मतलब क्या होता है, के कुछ नहीं है, एक पैरामीटर है या कोफिशियंट है जो कि अलग अलग क्रॉप के हिसाब से चेंज होता जाता है। ठीक है, जैसे के आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा तो राइस में आपको पानी ज्यादा लगता है, या आप बोल सकते हो राइस का कंजम्पटिव यूज ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हीट, है ना। जैसे कई लोग ज्यादा पानी यूज करते हैं, कोई दो बाल्टी से नहाता है, कोई एक बाल्टी से नहाता है, वैसे क्रॉप्स का क्या होता है कि किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए। ठीक है, तो के वही चीज बताता है कि जिस क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होता है के बढ़ जाता है उसका, जिसको कम चाहिए होता है उसका के कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज अ कोफिशियंट डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, कोफिशियंट डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, ऑन द क्रॉप, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप लिख देते हैं। ठीक है, इसका आप टेबल भी देख सकते हो, ये मैंने बनाया हुआ है यहां पे। तो इस टेबल में आप देख सकते हो राइस का के सबसे ज्यादा है 1.1, फिर है वीट, वीट है 0.65, मेज है 0.65, शुगर केन है 0.90, कॉटन है 0.65, पोटैटो है 0.70, है ना। शुगर पेन को भी बहुत पानी लगता है, या फिर नेचुरल वेजिटेशन का देख सकते हैं हम, जो बहुत ज़्यादा वेरी डेंस, नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो ऐसी खाली प्लॉट में उग जाता है ना, है ना, तो अगर ये बहुत वेरी डेंस है तो इसको ज़्यादा पानी चाहिए, नहीं तो वो भी क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। डेंस है तो 1.2, मीडियम है तो 1, लाइट है तो 0.8। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि के कैसे वेरी कर रहा है, जिस जिस क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होता है उनका के ज़्यादा है, जिनको कम चाहिए होता है उनका के कम है। क्लियर है, चलो के क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टी एफ क्या होता है। टी एफ होगा आपका टी एफ हम लिख सकते हैं मंथली मीन टेम्परेचर। ठीक है, टी एफ कुछ नहीं है, मंथली मीन टेम्परेचर है, मंथली मीन टेम्परेचर। ठीक है, इसको आप लिखोगे फ़ारेनहाइट में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पीएच, पीएच। ठीक है, पीएच क्या है, पीएच इज अ मंथली मीन सनशाइन आवर्स, और बोल सकते हो परसेंटेज ऑफ सनशाइन आवर, मंथली परसेंटेज ऑफ सनशाइन आवर फॉर एनुअली। ठीक है, मतलब एनुअली उस मंथ में कितना सनशाइन आवर्स आ रहे हैं एज कंपेयर टू ईयरली। ठीक है, उस मंथ में कितने आ रहे हैं, लिख लेते हैं हम पीएच, पीएच इज मंथली, सॉरी मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे टाइम आवर। ठीक है, पीएच क्या है, मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे टाइम आवर, डिपेंड किस पे करेगा, अलग अलग लैटिट्यूड में। अब इसको समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो साल भर में, पीएच का मतलब समझेंगे, साल भर में ईयरली 500 आवर्स थे जो सनशाइन आवर्स थे, ठीक है, डे टाइम आवर्स थे, मतलब जिनमें सन निकला हुआ था, ठीक है, वो थे 500 मान लेते हैं। ठीक है, हम निकाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ का, मान लो जून का निकाल रहे हैं। ठीक है,
जून का, जून में ये चीज थी 30, 30 डे टाइम आवर्स पे। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज हम ले लेंगे 30 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100, कितना हो जाएगा 6%। तो पीएच आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, कि ईयरली कितना है डे टाइम आवर्स और उस महीने जिस महीने निकालना है उस महीने कितना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो सही है, ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो आप इस टेबल से निकाल सकते हो। टेबल में अलग अलग लैटिट्यूड की डिग्रीज पे अलग अलग मंथ पे क्या है पीएच का परसेंटेज ये लिखा हुआ है, ठीक है, इससे अभी हम प्रॉब्लम बनाने में यूज करेंगे। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब अगर ये तो अगर एक महीने का पूछा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अब अगर तीन चार महीने का एक साथ पूछ दिया तो तीन चार महीने के लिए टेम्परेचर हर मंथ तो सेम नहीं होगा, क्योंकि ये मंथली मीन टेम्परेचर है, पीएच भी हर मंथ सेम नहीं होगा, तो हमको मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर तीन चार महीने के लिए पूछा तो ईटी इज इक्वल्स टू 2.54 के एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो आप या छोड़ दो के एफ, ठीक है। अब इसमें एफ का मतलब क्या हो गया, एफ हो गया आपका, एफ को मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ पी एच इंटू टी एफ अपॉन 100, ठीक है। मतलब क्या करोगे आप, इसमें अलग अलग जैसे मान लो जून का पूछ लिया या जनवरी का पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा पी एच वन इंटू पी एफ वन और इंटू 100 प्लस फरवरी का भी अगर ऐड हो गया, एक साथ आपको तीन महीने का पूछ लिया मान लो जनवरी फरवरी मार्च, तो आप क्या करोगे पी एच जनवरी का उठाओगे, मीन टेम्परेचर जनवरी का उठाओगे, कहाँ से उठा लोगे, यहाँ से उठा लोगे पी एच डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड, ठीक है, फिर फरवरी का उठा लोगे इंटू फरवरी के मीन टेम्परेचर से कर दोगे आप अपॉन 100 प्लस पी एच ऑफ फरवरी पी एच ऑफ मार्च इंटू टी एफ ऑफ मार्च अपॉन 100, ठीक है, ऐसे करके भी आप कर सकते हो, क्लियर है। चलिए अब एक प्रॉब्लम देखते हैं हम इसका और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक प्रॉब्लम करते हैं हम ब्रैनिक रिडल से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द पीटी ऑफ एन एरिया फॉर द सीजन नवंबर टू फरवरी। अब मैंने आपको बोला था अगर एक मंथ का हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और अगर एक दो तीन महीने का अगर एक साथ पूछ दे तो इसमें क्या चार महीने का आपको पूछा नवंबर से फरवरी तक, ठीक है, तो अब इसमें हम कौन सा लगाएंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसको टेबल में हम सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा। इन विच वीट इज ग्रोन, तो आपको क्रॉप दी हुई है, कौन सी ग्रोन हो रही है, वीट, गेहूं उग रहा है, ठीक है, तो आप इससे क्या निकाल लोगे, के की वैल्यू निकाल सकते हैं हम टेबल से देख के। द एरिया इज इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, लैटिट्यूड भी दिया है कितना 30 डिग्री नॉर्थ, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, पीएच निकाल लेंगे, ठीक है, विथ मीन मंथली टेम्परेचर एज गिवन बिलो, ठीक है। तो ये किस में है टेम्परेचर, ये हमको दिया हुआ है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारे फॉर्मूला क्या है, यूज ब्रैनिक रिडल फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, इसको पीटी लिख देता हूं मैं, बात एक ही है, या ईटी लिखो या पीटी लिखो, ठीक है, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था 2.54 अपॉन 100 के पी एच टी एफ, ठीक है, या तो आप हर मंथ का अलग अलग निकालो, ठीक है, लेकिन के की वैल्यू और ये कोफिशियंट तो चेंज नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे पीएच और टीएफ का अलग से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे चारों मंथ का, ठीक है, फिर निकालेंगे, ठीक है। तो आके देखते हैं कैसे होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये आप ऐसे चार कॉलम बना सकते हो, मंथ है ना, टीएफ की मीन टेम्परेचर क्या था, पीएच परसेंटेज सनशाइन और डे टाइम, फिर दोनों का मल्टीप्लाई और उसके बाद हम इसका सबमिशन कर लेंगे। तो चलो मंथ तो हमको गिवन है, क्या क्या मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, चलो पहले नवंबर का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नवंबर का टेम्परेचर किस में दिया है मुझे, 16.5 दिया हुआ, नवंबर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 16.5, ठीक है, 16.5। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हम फॉर्मूला है 1.8
प्लस 32, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से प्लस 32, कितना आ जाएगा, इसको ऐसा ब्रैकेट में, ठीक है, कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 16.5 इंटू 1.8 प्लस 32, ये आ जाएगा 61.7, ठीक है। कितना आएगा, 61.7। ऐसे ही आप चारों महीने का निकाल के कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, ये आ जाएगा 61.7, ठीक है। पीएच, पीएच हम एक साथ देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नवंबर का, हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं दिसंबर का, तो दिसंबर का टेम्परेचर कितना है, 13 डिग्री है ना, तो क्या करेंगे हम, 1.8 इंटू 13 प्लस 32, ठीक है, ये कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं, 1.8 इंटू 13 प्लस 32, ये आ रहा है 55.54, यहाँ लिख लेता हूँ, 55.4, सॉरी, ठीक है। ये सब किस में होगा, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब जनवरी का, जनवरी का, और साथ में देख लेंगे फिर फरवरी का, ठीक है। चलो, तो जनवरी का है 11 इंटू 1.8 प्लस 32, और इसका है 14.5 इंटू 1.8 प्लस 32, ठीक है। चलो दोनों का कर लेते हैं सॉल्व, ये आ जाएगा 11 इंटू 1.8 प्लस 32, ये आ गया 51.8, और नेक्स्ट आ जाएगा मेरा 14.5 इंटू 1.8 प्लस 32, 58.1। क्लियर, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, तो क्लियरली समझ में आएगा अच्छे से। 1.8 इंटू कितना था, 16.5 प्लस 32, ये आया था 61.7, ठीक है। चलो अब TF तो हमने सारे कन्वर्ट कर लिए किसमें, फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट हम देखते हैं PH, ठीक है, PH की वैल्यू। अब PH की वैल्यू किसके लिए देखनी है हमको, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और कितने डिग्री लैटिट्यूड में, 30 डिग्री लैटिट्यूड में। तो टेबल पे आ जाते हैं, टेबल पे देखा आपने 30 डिग्री में फरवरी की कितनी, सॉरी नवंबर की कितनी थी वैल्यू, 7.19, दिसंबर की थी 7.15, लिख देंगे यहाँ पे हम, ये आ जाएगा तुम्हारा 7.19 और 7.15। अब यहाँ पे देख के बताएंगे जनवरी फरवरी कितना होगा, 30 डिग्री में जनवरी फरवरी 7.30 और 7.03, 7.30 और 7.03। आ गया हमारे पास सब कुछ, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे TF का PH से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 100 इंटू 7.19 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 4.436, 4.43623, ठीक है। ऐसे ही सबका करते जाएंगे, ये आ जाएगा 55.4 इंटू 7.15, ये आएगा 3.9611, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे 7.3 इंटू 51.8, ठीक है, ये आ जाएगा 3.7814। नेक्स्ट हम कर देंगे 7.03 इंटू 58.1, ये आ जाएगा 4.08 4.43। अब आप क्या कर दोगे, इसका एडिशन कर दोगे चारों का, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा F, जो कि किसके बराबर होता था, समीशन ऑफ PH TF डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब सबका ऐड कर देंगे हम, 4.08443 प्लस 3.7814 प्लस 3.9611 प्लस
4.43623, ये आ जाएगा 16.26316, ठीक है। ये मिल गया। अब हम पीईटी कैसे निकालेंगे? पीईटी इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? 2.54 K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू किसके लिए चाहिए? वीट के लिए। आओ टेबल में देखते हैं K की वैल्यू वीट के लिए कितनी है। एवरेज 0.65, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इंटू 0.65 इंटू F कितना है? F है 16.26316, ठीक है। 100 से हमने पहले ही डिवाइड कर चुके हैं हम, तो ये आ जाएगा 2.54 इंटू 0.65 इंटू 16.26316, ये आ जाएगा 26.85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूरे उसके लिए कितना चाहिए हमको? 28.65 क्या होगा आपका? चारों मंथ का इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। चारों मंथ का इवेपोट्रांसपिरेशन कितना आ जाएगा? 26.85 सेंटीमीटर, क्लियर है।